आपको कुछ मालूम नहीं, आप लोगों ने तो बुलाया था मेरे शोहर को। वो डेरे मीरा सर ने कहा है कि पुष्पा फैसले में गवाही दे कि मेहर अली खान का बेटा मोहसिन कूंज के साथ शहर में मिलता था। साई मारो, आप चाहो तो रिवायत को बदल सको। झूठो इल्जाम की सजा इस तरह होनी चाहिए। फैसले की तारीख के लिए वडेरे खादिम हुसैन को पैगाम करा दो। अब अब ऐसा ही हुआ, शहर से वापस लौटते हुए पैगाम करा दो। फैसलो जाने कब होगो फैसलो। अम्मा अम्मा इतनी फिक्र मत कर, जो भी होगा अच्छो ही होगा। इल्जाम साबित करना इतना आसान नहीं है। झूठी गवाही देकर कौन पराई आग में कूदेगो? खादिम हुसैन और उसको छोड़ो, बड़ा मकार है। अपनी जान बचाने के लिए वो झूठी कसम उठा ले, सर पे कुरान रख ले। नई दुल्हन के तीन दिन, अभी इस हवेली में राज कर रही हो तो दाना कोर्ट में पड़ेगा ना। तुम्हें बकवास करने की इतनी जरूरत है क्या? अदि मैं कहाँ बकवास कर रही, मैं तो जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। हाँ अब जाओ, पानी बदलो जाके जाओ। सारी रात तेरा इंतजार करता रहा बाबा, तो आए क्यों नहीं? एक मेरे सबर को जीना हराम कर दूंगा तेरा। बनेरी मेरी कुंज बेगुनाह है, मासूम है मेरी कुंज। हाँ दी सब ठीक हो जाएगा। कुंज कुंज तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर हवेली जाने की? मुझे बताओ बाबा, बाबा की जरूरत है क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? आहिस्ता बोले, सारे नौकर सुन रहे हैं। तो सुन ले सारे लोग, अब रह क्या गया? खाक में मिल गए कि खादिम हुसैन की इज्जत बेटे ने और इस जलील कर। तुम्हारी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है, तुम भी इस छोरे की तरह अपनी बेटी के दुश्मन बन गए हो। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो। तो क्यों करते हो बेटी पर इतना जुल्म? मैंने कहा ज़बान बंद रखो। एक दफा जो फैसला हो गया वो हो गया, ये पूरे खानदान का फैसला है, तुम्हारे भाइयों समेत। खुदा गारत करे सबको, सबके सब अंधे हो गए अंधे। अल्लाह मेरी बेटी की मदद कर। उसकी क्या जरूरत है बाबा, आपने कुंडी तो लगा दी है। मैंने कहा ताला कहाँ है? कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की, खाना इसको यहीं यहीं से देना। तबाह करके रख दिया है सारे खानदान, और ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और तुम्हें किसने कहा था कि मिर्चू को बुलाकर उसे डराओ धमकाओ? हाँ बात मनवाने का भी कोई तरीका होता है, ढंग से होती है बात। जो दिमाग में आता है मुझसे पूछे बगैर घर गुजरते हो, बाप का बाप बनने की कोशिश करते हो, इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। अरे बच्चों की क्या मजाल है, या उसकी बेटी की कि वो मेहर अली वालों के खिलाफ गवाही दे, और वो भी तुम्हारे कहने। अब जो कुछ मुझे करना होगा वो मैं खुद करूंगा, मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। Thank you.
प्रभु, हे भगवान, मुझे बता ले इस व्यक्ति से, प्रभु बता ले मुझे, बता ले। अपनी दासी पे कृपा करो प्रभु, हे भगवान, मेरी बेटी पे दया करो, भगवान मेरी बेटी पे दया करो, हम पे दया करो भगवान। राम 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 राम, हे प्रभु, मुझे इस परीक्षा से निकाल दे प्रभु, मैं तेरे चरणों में सोने की माला डालूंगा प्रभु, दया करो, दया करो। राम 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 राम, मेरी बच्ची पे दया करो भगवान, मेरी बच्ची पे दया करो भगवान, पे दया करो, पे दया करो मिर्चू काका। वडेरे खादम हुसैन का आदमी आया, आपको बुलाया है। बाबा वहां कहां बैठ रहे मिर्चू मल? इधर मेरे करीब आकर बैठो ना। क्या हाल है तुम्हारे? आपकी कृपा है भगवान की दया से। मिर्चू मल बाबा, ये जो मेरा बेटा है ना मीर हसन, ये बड़ा जज्बाती हो गया है। नौजवान आदमी है, इस उम्र में वो कोई भी काम कर सकता है। जी जी साईं। तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी बराबर बराबर हैं, सहेलियां हैं आपस में। हाँ साईं, आप तो बड़े दयालु हैं हम लोगों पर। लेकिन मिर्चू मतलब क्या करें, जो उलझन आन पड़ी है उसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। हाँ साईं, हाँ। चुमल, अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते हो? साईं, जब भाग जाएंगे ना तो खूब हो जाएंगी भगवान की दया से। वैसे मिर्चुमल, मीर हसन का कोई भरोसा नहीं, अब तो वो मेरी बात भी नहीं मानता, कुछ पता नहीं है किस वक्त क्या कर बैठे। वो बहन के मामले ने उसे पागल कर दिया। दया करो साईं, दया करो, हम चढ़िया या चाहें आपकी, बादशाही आपकी है साईं। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूं। बस बाबा ठीक है। ये क्या साईं? पहचानते हो इसको? हाँ साईं, वही है। मेहर अली खान ने क्या कहा है तुम्हें? ये दूरी तुमने गलती से बेची है हमें। देखो, फैसले में तुम भले यही कहना, बल्कि ये भी कह देना कि ये मीर हसन खान ने जबरदस्ती दूरी मुझसे खरीदी है। मैं समझा नहीं साईं। देखो मिर्चू मल, एक बात मेहर अली खान की और एक बात हमारी, ठीक है? अब ये सारे जगह तुम्हारे,
हाँ वडेरा मेहर अली खान बताए। साहेब आ रो, अल्लाह आपको साहेब हमारे सरों पर बेश सलामत रखे। मैंने खादिम हुसैन वाला से कोई शिकायत नहीं थी। ये सारा सिलसिला उस दिन शुरू हुआ जिस दिन इन्होंने हमारी दोरी खरीद ली। दोरी? साहेब मारो, आप तो जिम्मेदारा को हाल अच्छी तरह जानो। कभी फसल अच्छी होगी, कभी फसल बुरी होगी, ऊंच नीच तो होती रहे। बरोबर। हमने अपने कुछ गहने मिर्चू मल के पास गिरवी रखे, जिनमें से आधे हमने छुड़ा लिए और आधे मिर्चू मल के पास ही रह गए। खादिम हुसैन वाला ने हमारी उस अमानत में से एक दोरी खरीद ली। अब मिर्चू मल से इन्होंने जबरदस्ती खरीदी या मिर्चू मल ने गलती से इनको दे दी, ये मिर्चू मल ही बेहतर बता सके भाई बाप। और मारो साईं, मराला सुन ले मारी फरियाद, मारे जवान बेटा को खून रायगा नहीं जाए। ओ छोरी कूंज इधर आके मारे पांव के तलवे चाटे, तब जाके मारे कलेजे में ठंड पड़े। अल्लाह मने वो दिन दिखा को खबर आई फैसला की। अभी तक तो कोई नहीं आई। हाँ दीवान मिर्चुमल, तू कर खबर। शाही, इस सारे मामले का मेरे को इल्म नहीं है, बड़ों की बातें हैं, बड़े जाने। हाँ बाबा, तुम सिर्फ गहनों की बात बताओगे, किस्सा क्या है? शाही भोटाड़, वडेरा मेहर अली ठीक बोलता है, इनके आधे गहने मेरे पास रखे हुए थे, मैं अपने गहने बेचना चाहता था, कुछ कसूर मेरा भय शाही, लेकिन मेरे से वो डोरी मीर हसन ने जबरदस्ती ले ली। खादिम हुसैन साईं, आप बताएं। साईं, बात जो मेहर अली खान वाले कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। बाकी मिर्चू मल की क्या हैसियत है कि वो झूठ बोले? मेरे बेटे ने दूरी जानबूझकर खरीदी थी, जो उसे नहीं खरीदनी चाहिए थी, ये उसकी गलती। खान की इज्जत रखते हुए उसको दूरी वापस मीर हसन के हाथों ही भिजवाई थी, लेकिन वहां इन्होंने मेरी बेटी के नाम पे गाली दी, जिसकी वजह से वहां झगड़ा। साईं, मौसम पर हमें बहुत अरसे से शक था कि वो हमारी लड़की पूंज से मिलता है, और इस बात की भिनक मिर्चुमल की बेटी पुष्पा को भी थी। साईं, लेकिन हम पक्का सबूत चाहते, दोहरी का तो एक बहाना है, मेहर अली खान वाले मौसम और हमारी छोरी पूंज का आपस में रिश्ता पक्का करना चाहते थे। लेकिन अगर छोरे और छोरी का ताल्लुक ना होता, शराफत और इज्जत के साथ अगर वो रिश्ता हमें भेजते तो हमें क्या एतराज हो सकता था, लेकिन जानबूझकर कौन थूक चाट सकता है सही। लेकिन आखिर में वही साबित हुआ जिसका हमें शक था। साईं बाबा, अब मिर्चुमल की बेटी पुष्पा को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए, उसके बाद मीर हसन ने जो कुछ देखा है वो ये खुद बयान करे। भगवान दर्द छोकरी पुष्पा को बुलाओ।
खाने को कुछ ले आऊं? कब तक क्यों बुत बनी बैठी रहोगी? बोलती क्यों नहीं हो? तुम मायूस मत हो अम्मा, अल्लाह ने चाहा तो फैसले में कुंज पर इल्जाम गलत साबित होगा और कुंज फिर से घर वापस आ जाएगी। फैसला हो रहा है, यहाँ एक के नहीं कईयों की जिंदगी का सवाल है। तुमसे जो कुछ पूछा जाए साफ साफ और सच सच बताना। हाँ बेटा बताओ, छोकरी कूंज को कैसे जानती हो? वो मेरी सहेली है, हम एक साथ कॉलेज पढ़ते हैं। वहाँ छोकरी कूंज किससे मिलती थी? किसी से नहीं। अच्छा, मेहर अली खान के बेटे मोहसन और छोकरी कुंज की मुलाकातों का तो तुझे इल्म होगा? नहीं, कभी उसने मोहसन के बारे में तुम्हें कुछ बताया? कभी नहीं बताया, और ना ही मैंने कभी उसे मोहसन के साथ बात करते हुए देखा। वो हाँ हाँ बोलो बोलो। बस वो कभी कभार ब्रेक के दौरान कुछ देर के लिए कॉलेज से बाहर चली जाती थी। कॉलेज से बाहर चली जाती थी? कहाँ जाती थी कुछ मालूम है? मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। पुष्पा बेटी। बस बाबा बस, इसे ले जाओ अंदर। बेटा साईं मुंजाब, कुंज कॉलेज के बाहर मोहसिन से ही मिलने के लिए जाया करती थी। मुझे कई लोगों ने बताया लेकिन हमने किसी के कहने पर कोई कदम नहीं उठाया। पर उस दिन, किस दिन? साईं वाके वाले दिन, शायद बुध का दिन था। साईं मैं शहर से अपनी गाड़ी में गांव की तरफ आ रहा था, तब मैंने देखा कि गांव के बाहर मोहसिन अपनी गाड़ी में बैठा कुंज के साथ बातें कर रहा था। मुझे देखकर दोनों घबरा गए। मोहसिन ने गाड़ी भगाई, हमने उसका पीछा किया और जाकर पुल पर उसको दबोच लिया। बस साईं, छोरी कुंज को मौका मिल गया और वो आपकी हवेली में भाग गई। झूठ बोले? ये झूठ नहीं है, हकीकत है साईं। झूठ तो है, बकवास कर रहे हो ये। बकवास हम नहीं, तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग हमस हमस चालू तेरे हमारे भाई मोहसिन को बेगुनाह कत्ल कराए हो, झूठी कहानी खड़े हो कि छोरी भाग गई, हम मोहसिन को पीछे गए हो, झूठे हो मक्कार। तू मौका पर हुई नहीं तो और कौन था? कौन था तू? हाँ, मारे आदमी थे जिन्होंने थारी बहन कुछ को पीछे करे हो, पतलो चिकालो जा रहे हो तो किस उल्टो करके बोल रही है की चोट पे कह रहा हूं। लाना दे तुम पर, जाए डरे मरे आपस में। फिर तो बाबा सही और खून खराबा होगा। होने तो खून खराबा, वो इसी में खुश है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारा फैसला न माने। बापू, आखिर हमरो कसूर क्या है बापू? हमको जो हुकुम मिलो हमने तो वही करियो, हमको माफ कर दे बापू। नमक हराम, माफ कर दियो।
माफ कर देना थारे को, माफ कर देना कमीना। बापू मैं सच कह रहा हूँ बापू, सच कह रहा था, सच कह रहा था। कुत्ता बापू, बापू मेरी बात तो सुनो, अगर हम कटा जाओ नवाज अली खान ना हुक्म दियो कि चोरी कूदा को ले आओ, तभी हम उसका पीछे क्यों, मैं फारूक का कसूर है बापू, फारूक कसूर के जवान खोलते हो मेरे, जवान खोलते हो, देख या इसने जवान खोली थी, जवान काट के रख दी इसकी, इसी तरह जवान काट के रख दूंगा। जो मालिक का हुक्म हो बापू। मालिक कौन है थारो, मेरे अली खान के नवाज अली खान, कौन पाल रहा है तुमको, किसका खाता हो, उसके साथ सारा दिन जी में लटका लटका मालिक हो गया थारो। वो भी तो तेरे बेटो है। नहीं मारो बेटो, कोई कोई नहीं मारो बेटो, कोई नहीं मारो बेटो, कोई ये पहली बार हुआ है कि हमारी मौजूदगी में हमारे सामने कोई इस तरह की बदकलामी करे और हाथापाई करे। बाबा साहब, आप बाबा साहब मार दो उन्हें, चाहे एक दूसरे के 10-20 आदमी गिरा दे, मिलके दल उठाए, पुलिस और थानों के चक्कर लगाए, तब जाकर उनके होश ठिकाने आएंगे। बाबा साहब आप बैठ तो जाइए। बडेरा खादिम हुसैन तो इतना रैश नहीं हो रहा था बाबा साहब, शायद वो कौन सा पारसा है, वो और उसका बेटा मीर हसन पक्के बदमाश है। बाबा साहब आप इतनी टेंशन मत लीजिए, वो जो कुछ भी करें जाके कुएं में अपनी जान दें, आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई करते हैं, खुदा के लिए बैठ जाइए, मैं ठंडा पानी ला देती हूँ। शहजाद खान कहाँ है? अदा शहजाद मीर साहब को छोड़ने गए बाबा साहब, बस अभी आते ही होंगे। पानी तो पिलाओ। जी बाबा अभी लाती हूँ। खड़े क्यों, बैठो। आ गए सौदा करके बेटी का, कहा है मेरी बेटी का खून, मार दिया ना उसे। बाबा पानी, इसको चुप कराओ। अम्मा थोड़ी देर के लिए चुप तो रहे। जीते जी मार दिया ना उसे, मैं तुम्हें नहीं बख्शूं, कयामत तक तुझे नहीं बख्शूंगी मैं। हाँ अम्मा क्या बोले जा रही है, थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जा। कयामत के दिन तेरा गरेबान पकड़ूंगी खादम उसे। क्या फैसला हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं क्या मतलब? फैसला तो ऊपर होगा, इसे कब्र में तो जाने दो। फैसले में झगड़ा हो गया था। हाँ फिर? फिर फैसला नहीं हो सका। ये सारा खलल तुम्हारे बयान की वजह से हुआ। बाबा मुझे क्या मालूम था कि वो लोग अपना कसूर मान लेंगे। पराए मैदान पर खेलने का यही अंजाम होता है। बाबा वो कमीना मिर्चूमल भी तो दोगली बात कर गया ना, उसकी बेटी ने साफ गवाही भी तो नहीं दी। तो उन्होंने तो यही करना था। मैंने भी उस मर्दूत को बहुत लालच दिया था, लेकिन वो खौफजदा था, डर गया था। लेकिन ये शुक्र करो कि मिर्चू की बेटी ने ये बयान दे दिया कि कुंज अक्सर कॉलेज से बाहर जाया करती। अब देख लेना ये बात कसमा कसमी पे जाके बैठेगी, देख लेना। हकीम जादी रे पूछ अपने बेटा से क्या कारीगरी दिखाई हो। ते बता दो, बैठो तो सही, आराम से बात करो। रखा आराम से बात करूं,
मारो खून खोल रहे हो है। परी बरादरी मां दलील करा दी हमने। थारो ख्याल है कि खादिम हुसैन ने साजिश करके जानबूझ के अपनी बेटी ने सरदार की हवेली में पड़ा दिलवा दी। नहीं, थारो ही बेटा साजिश है। तुमने उसको अगवा कराने की कोशिश की और उन्हें भाग के सरदार की हवेली में पड़ा ले ली। क्या क्या नहीं? हाँ, और ये समझे हो कि बापू ने तो कुछ पता नहीं है। रे कमबख्त, तू ऐसो कदम उठाए हो तो मने तो बता दे। तो तने बताते हुए छला मारी थी? नहीं, डर लग रहा था। रे कदम उठाते हुए डर न लग गयो? थे समझो कि बापू को पता नहीं चलेगा हैं? और फिर खुद ही अपना भांडो भी फोड़ दियो। ऐसो हो रहे हो है। और बीच में थारो लाडलो देश में आ गयो। बोले अमीर हसन से के मैंने थारी बहन को अगवा करने की कोशिश करी और वह सरदार की हवेली में पड़ा ले ली उसने। बापू सुनो ने, वो मोहसिन खान पर कैसे झूठे इल्जाम दे रहा था, गलत बयानी कर रहा था कि उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ गए, मगर लड़की मौके से फरार हो गई। तू सच बोल दियो क्या? नहीं, वो तो हम थे जो थारी छोरी ने अगवा कर रहे थे। बापू साफ बात है, हमारे से उसका झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बोलने देता जो कुछ बोल रहा था, मैं नहीं बैठा था वहां पे। और हम कौन सा छोरा ने सच बोल रहे थे? सारो खेल बिगाड़ दिया। रे खाकिम जादी, अब खादिम हुसैन की बेटी नहीं मिलेगी थाने खून बहा में। अब बैठ के कौस अपने बेटे ने। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। जो होना था वो तो हो गया। आपको क्या है? आप भी यही कह रही हैं, जलील तो मुझे होना पड़ा। तेरे को कैसे जलील होना पड़ा? और नहीं तो क्या, आपने झूठे गवाही दिलाई मुझसे। छोरी, गवाही तो तूने दी ही नहीं है, किसी पे इल्जाम तो तूने लगाया ही नहीं है। नहीं छोरे मोहसिन पे, नहीं छोरी कुंज पे। कुंज के लिए तो कहा ना मैंने कि वो कॉलेज से चली जाती थी। अरे पर ये तो नहीं कहा ना कि वो मोहसिन से मिलने जाती थी। इल्जाम तो इल्जाम है, चाहे छोटा या बड़ा। मैं कुंज को क्या मुंह दिखाऊंगी? पर अब जब वो तेरे को दोबारा नजर आए तब ना। देख मेरी बच्ची, इन मगरमच्छों से बचने का यही तरीका है, नहीं तो ये जालिम लोग हम लोगों को खा जाए। समझा? तू ही समझा इस तरीको। मेरी मानो तो अभी ये गांव छोड़ दो, अब बहुत हो गया। क्या गांव छोड़ दूं? हाँ, मैंने यही कहा है। तू बावली हो गई है? इधर लोगों पे मेरा लाखों रुपया बटा हुआ है। तो उनके जेवर भी तो आपके पास है, हिसाब तो बराबर हुआ ना? अरे कैसे हिसाब बराबर? देखो तुम्हारी ये लालच हम सबको एक दिन ले डूबेगी। उन लोगों के दरमियान अभी कोई सुलह सफाई तो हो ना सके। कल हमारी बच्ची के साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? राम 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 राम। अरे क्या बोलती है? बस छोड़ दो ये गांव, रातों रात कहीं निकल चलते हैं। बिस्मिल्लाह सही। क्या हाल है मौला रब? दुआ है वो तार। क्या हाल है मौला दादी? साई मुजाब हो कहाँ? तुम्हारी बादशाही में फिर रहे हैं मौलादाद। और सुना मौलादाद, खैर खुश है? खुश खैर ठीक ठाक हो? बहुत साई, कब से आपको कह रही हूँ, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाए ना। सोना साई, आपके बैठने के लायक तो ये जगह भी नहीं है। नहीं नहीं माई जन, तुम लेटी रहो लेटी रहो। अरे बाबा सही हूँ मैं, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत कुछ नहीं आई है, कोई बात जाओ। अरे माई जदल,
دو چار دن سے تم حویلی نہیں آئی تو پتہ چلا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے, تو سوچا کہ تمہاری خبر ہی لے لو. ارے کیسی باتیں کرتی ہو مائی جان. ارے ساری عمر تم نے حویلی کی خدمت کی ہے, ہم پہ بھی تو کچھ حق ہے نا تمہارا. ہاں سائیں. وہ رانی ابھی حویلی سے نہیں آئی؟ آپ حویلی سے نہیں آ رہے ہو کیا سائیں؟ نہیں میں باہر سے آ رہا ہوں. بس سائیں آنے ہی والی ہوگی. بہت سمجھایا ہے کم عقل کو کہ پہاڑ سے سر ٹکرانے سے اپنا ہی سر پھٹتا ہے. شکر کرو خان تم پر مہربان ہے, پر سائیں اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. کوئی بات نہیں سمجھاتا ہوں. بس وہ آ گئی. دیکھ مل رہی ہو کون آیا ہے؟ ارے ادھر کھڑی ہو کے کیا دیکھ رہی؟ ادھر آ. کس بات کا گمنڈ؟ کس بات کا گمنڈ ہے تجھے؟ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید یہ بھی ایک بہانہ ہو. میں تو تیرے ہی خیالوں میں کھویا رہتا ہوں. جھوٹ, سب جھوٹ. ارے نہیں بابا, یہی تو سچ ہے. جس چیز کی کمی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں باجائے. آپ بھلے مجھے ڈانٹے لیکن میں کہوں گا ضرور. آپ راہیل بات کر رہے ہیں؟ میں پشپا بول رہی ہوں. ہاں پشپا. پشپا تم نے اچھا نہیں کیا. اس طرح کی گواہی لے کر تم نے کونج کے ساتھ بہت زیادتی کی. بس
जी नई दुल्हन के तीन दिन अभी इस हवेली में राज कर रही हो तो दाना कोर्ट में पड़ेगा ना तुम्हें बकवास करने की इतनी जरूरत है क्या अदि मैं कहाँ बकवास कर रही मैं तो जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ हाँ अब जाओ पानी बदलो जाके जाओ सारी रात तेरा इंतजार करता रहा बाबा तो आई क्यों नहीं देख मेरे सबर को नाज जीना हराम कर दूंगा तेरा बनेरी मेरी कुंज बेगुनाह मासूम है मेरी कुंज हाँ दी सब ठीक हो जाएगा कुंज कुंज तुम्हें जरूरत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर हवेली जाने की मुझे बताओ बाबा बाबा जरूरत है क्या ये क्या कर रहे हैं आप रास्ता बोले सारे नौकर सुन रहे हैं तो सुन ले सारे लोग अब रह क्या गया खाक में मिल गए कि कादिर हुसैन की इज्जत बेटे ने और इस जलील कर तुम्हारी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है तुम भी इस छोरे की तरह अपनी बेटी के दुश्मन बन गए हो मैं कहता हूँ बकवास बंद करो तो क्यों करते हो बेटी पर इतना जुल्म मैंने कहा जबान बंद रखो एक दफा जो फैसला हो गया वो हो गया ये पूरे खानदान का फैसला है तुम्हारे भाइयों समेत खुदा गारत करे सबको सबके सब अंधे हो गए अंधे खुदा है खुदा मेरी आपको कुछ मालूम नहीं आप लोगों ने तो बुलाया था मेरे शोहर को वडेरे मीरा सर ने कहा है कि पुष्पा फैसले में गवाही दे कि मेहर अली खान का बेटा मोहसिन कुंज के साथ शहर में मिलता था क्या साई मारो आप चाहो तो रिवायतों को बदल सको झूठो इल्जाम की सजा ये तरह होनी चाहिए फैसले की तारीख के लिए वडेरे खादिम हुसैन को पैगाम करा दो हाँ बाबा सही शहर से वापस लौटते हुए पैगाम करा दो फैसलो जाने कब होगो फैसलो अम्मा अम्मा इतनी फिक्र मत कर जो भी होगा अच्छा ही होगा इल्जाम साबित करना इतना आसान नहीं है झूठी गवाही देकर कौन पराई आग में कूदेगो ए, ए। खादिम हुसैन और उसको छोड़ो बड़ा मकार है अपनी जान बचाने के लिए वो झूठी कसम उठा ली सर पे कुरान रख बेटी मुसीब अल्लाह मेरी बेटी की मदद कर उसकी क्या जरूरत है बाबा आपने कुंडी तो लगा दी है मैंने कहा ताला कहाँ है कोई जरूरत नहीं दरवाजा खोलने की
खाना है इसको यहीं से देना, तबाह करके रख दिया है सारे खानदान, और ये सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और तुम्हें किसने कहा था कि मिर्चू को बुलाकर उसे डराओ धमकाओ? हाँ, बात मनवाने का भी कोई तरीका होता है, ढंग से होती है बात, जो दिमाग में आता है मुझसे पूछे बगैर घर गुजरते हो, बाप का बाप बनने की।